वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1871 में श्री धरलू नायडू ने की थी। जब केशव चंद सेन 1858 में ब्रह्म समाज के आचार्य के पद पर नियुक्त किए जाते हैं तो ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। इसी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए वे अन्य राज्यों की यात्रा करते हैं। इसी क्रम में जब वो मद्रास की यात्रा करते हैं तो केशव चंद सेन के विचारों से प्रभावित होकर श्री धरलू नायडू मद्रास में वेद समाज की स्थापना करते हैं। जो वेद समाज है उसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। जो ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे वही सभी उद्देश्य आपके वेद समाज के थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने की है, 1871 में की है और मद्रास में की है और केशव चंद सेन के विचारों से प्रभावित होकर की है।